शक्ति जगत जननी की। तो जी बोले हे शरणा, विष्णु भगवान ने जिस व्रत को कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो है वह पूछो। शरणा जी बोले कि हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया था, यह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले कि हे मुनि, जिसने यह व्रत को किया था वह सुनिए। एक समय निज धर्मानुसार निज बांधवों के साथ व्रत को करने के लिए उदत हुआ। उसी समय हारा वहां आया, भूखा प्यास से पीड़ित काष्ठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में उसने व्रत को सुना। ब्राह्मण को देखकर अंतर से हाथ धोकर प्रणाम करके बोला कि आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, विस्तार पूर्वक कहिए। बोले मनोरथ को देने वाले, दुख शोक आदि को नाश करने वाले तथा सिद्धि को देने वाले व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धान्य आदि प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया, प्रसाद को खाकर जल को पीकर भगवान से सत्यनारायण का ध्यान करते हुए अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी बेचने से जो द्रव प्राप्त होगा उसी समय सत्यदेवन का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा, ऐसा मन में विचार कर उसने लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर को गया। उस दिन लकड़हारे को दूना द्रव प्राप्त हुआ, अत्यंत प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल दूध घी शक्कर आदि से भाई बंधुओं को बुलाकर सत्यनारायण को विधि पूर्वक व्रत किया। इस विशेष प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया तथा इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्य लोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ उसको सुनिए। इति श्री स्कंद पुराण देव अखंड से सत्र मध्य ग्राम तृतीय अध्याय। एक बार बोले सत्यनारायण स्वामी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर भगवान की जय। आदि शक्ति जगत जननी की जय। सूत जी ने कहा, राजाओं में श्रेष्ठ उल्कामुख नामक एक जितेंद्रिय राजा था। वह सदैव देव मंदिर जाया करता था, वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल के शुद्ध मुख वाली प्रसन्नता पत्नी थी, वह स्त्री के साथ भद्रशिला नदी पर सत्यदेव का व्रत करता था। उस समय वह बनिया आया और बनी जी के काष्ठ को भार को रखकर परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगा दिया, आप तट पर उतर गया और राजा को वध करते हुए देख नम्रता से पूछा। साधु बोला, हे भगवान, हे राजन, आप क्या कर रहे हो। वह उसे भक्ति पूर्वक ये सुनने की इच्छा। राजा बोले, हे साधु, अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके बोला कि हे राजन, यह व्रत की विधि जानकर हे राजन इस व्रत को मुझसे कहिए, मैं करूंगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है, इस व्रत से अवश्य होगी। वह विधि पूर्वक ज्ञान कर अपने घर आकर अपने श्री सत्यनारायण का व्रत कहा और तब संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान हो तो सत्यनारायण करूंगा। थोड़ी समय में उसकी स्त्री लीलावती आनंदचित से गर्भवती हो गई, उसे दसवें मास में निर्मल कन्या को जन्म उत्पन्न हुई। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है कन्या को विद्या को प्राप्त हुई। अपने स्त्री के साथ बनी ने कन्या का जात क्रम कलावती नाम रखा। एक दिन लावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले का संकल्प क्यों नहीं करते हैं। साधु बोला कि नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी राजा प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देकर उसे श्राप दिया कि तेरे ऊपर भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा लिया। अपने पीछे देखते हुए साधु की दिशा को चले गए। दौड़ते हुए राजा के दूतों ने आता देखकर डर कर धन का यहीं रखकर छिप गए। राजा के दूतों ने साधु के निकट जाकर राजा को धन को देखा तो साधु को बांध कर अनंत चित्त होकर राजा के निकट लेकर जाकर बोले, हे राजन, दो चोर लाए हैं, उनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर के विचार से आज्ञा दे दी कि फिर तो दूतों ने उन्हें बांध कर बंदी खाने में बंद कर दिया। इसे इस प्रकार देव अखंड से सर्व बंध ग्राम चतुर्थ अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, आदि शक्ति जगत जननी की जय। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का हो स्वामी, दुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। स्वामी बिनय और न दूजा, स्वामी बिनय और न दूजा, यास करूं मैं किसे।
नाम।